गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह की शुरुआत हो रही है पहाड़ी बाकली के साथ। ये खूबसूरत पहाड़ी बाकली, चिर परिचित पहाड़ी बाकली, फेमस पहाड़ी बाकली। वाह, मॉस्किटो मोड ऑन है दगड़ियों। आप देख सकते हैं वहां से धुआं निकल रहा है। आय हाय हाय, गाजर सुखाने के लिए डाल रखा है। ये है असौच की पहचान, ये है हमारे पहाड़ी पैराडाइज की पहचान। हमारा इधर उधर का टूल लगा रहता है, नियमित रूप से हम हल्द्वानी में नहीं रहते, इस वजह से ये दाल में घुन लग गया था। अब यहाँ इसका उपचार होगा दगड़ियों। नमस्कार, मातृ देवो नमः। हेलो गाइस, एक बार और बोल दो। हेलो गाइस, हम ठीक ठाक हैं, आप कैसे हो? हाउ आर यू? हाउ आर यू? वेरी फाइन। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आप पवन जी पहाड़ी बाकली में आए, कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। जब से तुम गए तब से हमें बहुत मतलब बुरा लगा इस बार। सावन भादो मतलब बारिश के दिनों में हमें बहुत याद आई आप लोगों की। बिल्कुल भी मन नहीं लगाए गए। और अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ दोस्तों, हमारे पहाड़ी बाकली के सबसे सुंदर सदस्य और भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी। तवाल काट दिया। मम्मी कह रही है तवाल काट दे। और पवन पहाड़ी के पिताजी से मैं आपको मिलाता हूँ। जय हो, प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया यार। दर्शकों से कुछ कहना चाहोगे? दर्शकों को तो बहुत समय हो गया यार, कुछ अभिवादन नहीं करा उनका। आज कर दो अभिवादन। कैसे हैं, क्या हैं? यूट्यूब वाले याद आई आपको? यूट्यूब वालों की हाँ आती है, उनके कमेंट तो पढ़ता ही रहता हूँ। मैंने कहा कहीं भूल तो नहीं गए। आपका भी जिक्र करते रहते हैं, कह रहे हैं वो पहाड़ी बाखली दिखाओगे। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को मम्मी पापा भूले नहीं है। आपके हर एक कमेंट पर ईजा बाजू की नज़र बनी रहती है दोस्तों। हिंदी वाले कमेंट पे मम्मी की नज़र रहती है, क्योंकि मेरी मम्मी हिंदी और संस्कृत से है, हिंदी मीडियम से पढ़ी है। और इंग्लिश वाले कमेंट पर मेरे पिताजी की नज़र पड़ी रहती है। आपने कौन से स्कूल से पढ़ा आपका? मैं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा। मौसम बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं नीला आसमान, उसमें श्वेत कलर के बद्रा आप देख सकते हैं। कदू बढ़िया फूल है रही दगड़ियों। और ये फूल तो कुछ नहीं है, अभी मैं आपको जडजा कॉटेज में ले जाऊंगा, वहां का दृश्य आप देखना। गोरबाह नगला तो मन का निश्वा लाग गया नल दगड़ियो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गोपुली बसंत, बसंत कैसे हो? देखो निश्वास लगा था आपको इसका है बासु। इंकी, इंकू, तो पिंकी तो चली गई थी दोस्तों। मैंने व्लॉग में आपको दिखाया था जो चौशाला वाली ताईजी है जो भिटोली देने के लिए आई थी, उनको दे दिया था, याद है आपको? व्लॉग में दिखाया था। तो दगड़ियो अपन बाबू अपन ईजा दर्शन तो मिल तो मन का कराया है ली, अब ठूल ईजा दर्शन जेडजा के दर्शन भी मैं आपको कराऊंगा। अक्षत पोष की खाद के आप दर्शन करिए, अक्षत गोबर इसमें भरा रहता है, कभी भी खाली नहीं होता है, चाहे ह्यून हो, असौज हो, चौमास हो, कभी भी ये खत्म नहीं होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ओवरफ्लो होके पोष की खाद यहाँ पहुंच चुकी है। ओ ताई जी कहाँ हला मिथल लुका है? नमस्कार, और ठीक ठाक? ठीक ठाक, भला दिखना है यार ना देवेद, वही चमक वही फुर्ती जिड़जा। चलो बुलावा आया है, जिठजा ने बुलाया ओ, पाटिल कण खोद के क्यारी उसमें अलग अलग वनस्पति उगाया है। चलो गाजो का अब्बा काट है दिन वाहन होता पाग तो ना है क्या काट दिल स्वार को जाड़ा ना होना है कि गाजे बोल काटी पहले वो कैसे करूँ ना ले हमें इसने हैं वो तो खेत पाटी साथ धोनी होने पे मैं समझूँ ना रात 8 बज गया मैक्सिमम बात लाए
दोस्तों आप देख सकते हैं जिड़जा की अखंड रसोई में क्या बन रहा है कि उदय में डोंगा इतना ठुल दर दिया है ना, यह लागू की जब ओढ़ना है मैं अभी आप, मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। ये कद्दू की सब्जी बन रही है दोस्तों मंदी आंच में। शहरों में आप ऐसे डाड़ू पनीला रखने के लिए अलग से छोटी सी प्लेट रख देते हैं या फिर कटोरे में डाड़ू रखते हैं, यहाँ पे आप नेचुरल बांस की एक लकड़ी है उसका बेस बना के पनूला रखा गया है। ऐसी हॉटकेस भी बनता है, दो या तीन लकड़ियां ऐसे रख दो वी मेल वाट दर्द हो जाए जी, वो हॉटकेस बन जाने बहने गर्मा गर्म वहां से खाते रहो। जैसे पंचवटी में सीता जी का चूल्हा हुआ करता था दोस्तों, सेम इधर जिड़जा कॉटेज में ऐसी ही लीप गैस के जिड़जा भी देखिए कितना साफ बना रखा है। और यहाँ पे अभी दिन में कुछ झोली हरी सब्जी वगैरह बनेगी। जिड़जा का उद्यम मैं भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, एक छोटे से अलग होते समय इनको बिल्कुल भी जमीन नहीं मिली। कशी लगा था दो का काट दू खतोड़े की एक नहीं उड़ा दू। ये पूरा खेत मिर्ची को समर्पित है। आय हाय ये आप देखिए ये ककड़ी यहाँ लगी हुई है, ये ककड़ी का लगिल है दोस्तों। हमारे कुमाऊं में बेल को लगिल कहा जाता है। सभी लोग हाथों में फूल पत्र पकड़ के हाथ जोड़ के अक्षत लकड़ी के खयो के दर्शन करेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों जिड़जा का अक्षत लकड़ी का खयो जो कभी भी नष्ट नहीं होता, एकदम अक्षुण्य बना रहता है दोस्तों। कुछ ऊपर से ऐसा वरदान होता है, पता नहीं क्या मंत्र मारती है जिड़जा, रोज सुबह 8-10 लकड़ियां नीचे गिर जाती है इस खयो से और वही फिर एक महीने तक चलती है। ये आप देख सकते हैं तो ये लकड़ियां ओवरफ्लो होकर नीचे आ गई है। एक लकड़ी में पूरे दिन भर का खाना बन जाता है। अभी भी जैसे आप देखना कद्दू की सब्जी वहां बन रही है उसमें देखना कितनी लकड़ियां, मैं खुद दिखाता हूँ आपको, आपको चमत्कार का पता चल जाएगा। यो लकड़ा ना तो जड़जा से भी हम इस बारे में बात करेंगे। एक लाख और ना कद्दू साग कसी पाकड़ो बताओ, जबकि इसमें टाइम लगता है कद्दू की सब्जी बनने में, कैसे है ये दिव्य शक्ति कैसे है जड़जा जरा बताओ हमको। आग जगा दे हाँ, बिना बिना लाकड़ा के बीरबल खिंचा नहीं हो चमत्कार कशी उन्हें मतलब, ये तो किसी के साथ भी नहीं होता है। तुम एक लकड़ी में पूरा खाना बना देते हो कैसे बढ़ जाता। बाबुल को मंत्र बता है कि बिदा उन जो जड़जा के पिताजी थे वो प्रकांड शास्त्री थे, राजा विक्रमादित्य की सभा में 10वें रत्न थे दगड़ियो। जब विदा हो रही थी जड़जा अपने मायके से तो उन्होंने मंत्र दिया था और उसी की वजह से ये अक्षत लकड़ी का खयो अक्षत पोष की खाद ये दहेज में मिली हुई है ताई जी को। क्यों ताई जी अरे वाह, आज बहुत दिनों के बाद फिर से चूल्हा जुट चुका है दोस्तों। अरे वाह, स्वागत हो रहा है दोस्तों छोई रोटी के साथ। वाह, तो दोस्तों दिन के 10:30 बज चुके हैं और पहाड़ वाले काम शुरू होने वाले हैं। चटक धूप खिली हुई है दोस्तों, गुरु साट लियो यार। हाँ ऊपर वाले घर से ओके, तो गुरु के लिए चाट लेके आना है दोस्तों। रण क्षेत्र के लिए तैयार होते हुए अब इसमें पवन पहाड़ी चाट लेके आएगा गुर के लिए। इस बार गुर के लिए चाट की जरूरत पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि गाय की बछिया नहीं है, हमारी गोपुली ब्याह गई थी, मतलब ब्याहने से मतलब 8-10 दिन पहले जल्दी ब्याह गई थी और प्री मैच्योर डिलीवरी हुई तो उसका बाज भी मरा हुआ आया पेट से, ठीक है, इस वजह से वो सो नहीं रहा है दोस्तों। अब चाट रखना पड़ रहा है, फिर एक जने को जाना पड़ रहा है तो इस वजह से वो बड़ी मुश्किल से उसको हाथ लगाना हो रहा है। इसको नीचे लेके जाऊंगा मैं, कोई कोई तो तुम में से मेरे को बहुत ही बड़ा स्टार समझता होगा। कोई अलग स्वतंत्र यार ना है पवन पहाड़ी यस काम कहाँ करो पवन पहाड़ी बहुत जे की बोकन न यार सब चीज करूँ पवन पहाड़ी जैसा देश वैसा बीच। ये देखो सब करना पड़ता है दोस्तों, मनुष्य योनि में आए हो तो सब कुछ करना पड़ता है, हर तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है, हर तरह का काम करना पड़ता है, इसलिए काम करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। न जाने कब कौन सी विद्या काम आ जाए, कौन सा काम 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 आ जाए। मम्मी की पुरानी धोतियों से यहाँ बॉर्डर लाइन बना रखी है और पिनालू का पहरा हो रहा है दगड़ी। आयुर्वेदिक हर्बल और इको फ्रेंडली बॉर्डर आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। बाहर को तो वशीकरण करने के लिए, दूसरे की घरवाली को बशमा करने के लिए पुतले बनाए जाते हैं, तांत्रिक लोग बनाते हैं। हमारे पहाड़ों में पुतले ये गुण बानरों को डराने के लिए बनाए जाते हैं, जिसको
खेतों के बीचों बीच लगा दिया जाता है दोस्तों। उस पुतले को कुमाऊनी में भसूण कहा जाता है। गढ़वाली में क्या कहा जाता है कमेंट करके बताना, हमारे कुमाऊं में तो उसको भसूण कहा जाता है। इसी वजह से जो बेढंगे टाइप के कपड़े पहना होता है और बिल्कुल ही फैशन सेंस नहीं होता, कुछ भी पहन लेता है, उसको हमारे पहाड़ों में बोल देते हैं ऐसे कि बहन है तू तो भसूण जो। आहा, इस चटक धूप में और हरियाली में पहाड़ी बाखली का कलर और खिलके आ रहा है दोस्तों।